हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज 17 तारीख है, आज हमारा उपवास है पूर्णिमा का। और मैं ट्राईपॉड लेने आई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं किचन में जा रही हूँ काम करने के लिए। 4 बजने वाले हैं ये, आने वाले हैं। केला और दही लेके आएंगे। फिर मुझे कसार भी बनाना है, पंचामृत बनाना है, खाना बनाना है। हालांकि खाएंगे लेट, लेकिन अब तैयारी सारी करनी है। फिर ये लोग सारा घर बिखेर देते हैं, उसको सेट करना है। तो कथा वथा की तैयारी करती हूँ, जो बीच में ये आते हैं ना उसमें करना पड़ता है। और आज मुझे पेन हो रहा है यहाँ, और थोड़ा सा लो फील हो रहा है। तो लेकिन काम तो देखो करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए काम तो करना पड़ता है। आज मैंने ऑयलिंग कर ली है, बाल चिपट रहे हैं मेरे। तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले किचन में। किचन की कर लेते हैं क्लीनिंग। दोपहर को जब इलू को खाना वाना खिलाया था, तो बस मैंने उसके बाद क्लीनिंग नहीं की, क्योंकि 2 दिन से तबीयत ना ढीली पड़ी है। तो इसलिए ना थोड़ा सा रेस्ट ही ले रही हूँ, और ना ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बस मैंने स्टार्ट इसलिए कर दिया था व्लॉग कि चलो स्टार्ट कर देंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पे किचन को क्लीन करके सबसे पहले मैंने बनाया है कसार। घी डाला है और उसमें मैंने आटा डाल करके सेक लिया है, फिर उसमें चीनी डाल दूंगी। बस उतने में लग गई ईलू को भूख, तो ईलू के लिए बना देते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। ज़्यादा कुछ था नहीं, वेजिटेबल्स थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड रखी है, चीज़ रखी है, सॉस और पिज़्ज़ा सीजनिंग से जो है पिज़्ज़ा बना देते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड निकालिए, एक तरफ घी लगा के एक तरफ से ही सेकूँगी। आप गोल कट करके भी कर सकते हो। मैंने इसके किनारे निकाल दिए, क्योंकि ईलू ना कभी भी किनारे नहीं खाती है। तो बस गोल भी कट कर सकते हैं, चौकोर भी रख सकते हैं। तो जिस तरफ से मैंने सेकी है उसमें मैंने सॉस लगा दिया है, साथ ही पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दूंगी और उसमें कद्दूकस कर दूंगी चीज़ को। और फिर बस घी लगा करके तवे पे और इसको रख देंगे तवे पे। उतने में ये भी आ गए थे, लस्सी वगैरह लेके आए थे, क्योंकि सुबह मैंने तो कुछ खाया नहीं था। इनको ही टिफ़िन में दे दिया था, सावक वगैरह जो बनाया था वही इनको खिला के भेजा था, वही इनको टिफ़िन में दे दिया था। तो मेरे लिए बचा नहीं था, और मैंने बस केला और सेब खाया था, और अब मुझे वीकनेस फील हो रही थी, तो फिर लस्सी लेके आ गए थे। ब्रेड पिज़्ज़ा भी जो है बन गया था, ढक करके मैंने पका दिया था। क्रिस्पी भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है। तो इलू ने खा लिया था, उसकी भी ट्यूशन थी 5:30 के करीब, और इनको भी टाइमली पहुंचना था, 5 बजे अपने ऑफिस पहुंचना था। तो फटाफट कथा भी करनी थी, 4 बजे ही आए थे, 4 या 4:10 पे या पता नहीं कितने बजे आए थे। तो मैंने ये तैयारी पूरी कर ली थी कथा की, और बस फिर यही टाइम हमें मिलता है शाम को। तो फिर ये 9, 9:30, 10 आते हैं, इस टाइम पर हम कर लेते हैं। ये चले गए, और इलू अपने रैपिडो वगैरह करवा के अपनी कोचिंग जो है वो चली गई थी। जैसे ये लोग गए, थोड़ी देर बाद मैंने बस थोड़ी शाम की सफाई स्टार्ट की। अभी ना व्लॉग बनाने भी में भी ना मुझे बड़ा आलस आ रहा है, दिल करता ही नहीं है कि व्लॉग करूँ, व्लॉगिंग तो बस मैं करती ही नहीं हूँ। और अगर मेरा व्लॉग बन भी जाता है तो एडिटिंग करके डालने का दिल नहीं होता है, और एडिटिंग मैं कर लेती हूँ तो फिर मुझे अपलोड करने का दिल नहीं होता। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा माइंड ना ऐसा लग रहा है मुझे कि बस ब्लॉक हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो जो कपड़े सुखा रखे थे, घर अंदर ही सुखा रखे थे, वो मैंने समेटे, और बाकी घर को थोड़ा सा सेट किया, झाड़ू वाड़ू की, और फिर खाना बनाना था। और तबीयत ऐसी ही हो रही थी, और एकादशी का भी व्रत था, फिर ये वाला आ गया। थोड़ा सा ना वीकनेस सी थोड़ी सी फील होती है मुझे, पता नहीं आजकल। और जब मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, डाइट पे रहती हूँ, तब तो मेरी फुल ना बॉडी ना एक्टिव रहती है, एनर्जी रहती है। अभी नहीं कर रही हूँ तो सच में बॉडी ऐसी जाम सी लग रही है मुझे। तो मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन मैं 3-4 दिन आजकल करती हूँ और फिर नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा मेरे साथ। तो बस यहाँ पे कुंदरू भी रखे थे, थोड़े बहुत राजमा उबले हुए रखे थे संडे के, थोड़ी छाछ रखी थी, थोड़े आलू रखे थे, और करेला। इन सब को मुझे यूज़ लेना था, और व्रत होता है तो वैसे ही अच्छा अच्छा खाना थोड़ा सा बना लेना चाहिए ना, ज़्यादा सा, है ना। नहीं तो एक सब्ज़ी रोटी या एक दाल एक सब्ज़ी में भी चल जाता है, बट उपवास होता है तो हमेशा मैं थोड़ा 3-4 चीज़ें ही बनाती हूँ। लेकिन आज सिंपल सी चीज़ें ही बना रही हूँ, लेकिन हाँ 3-4 चीज़ें बनाएंगे, कुछ अगले दिन भी काम आ जाएगी। जैसे कि करेला, तो करेले में नमक डाल करके मैंने रख दिया, तब तक मैं दूसरा खाना जो है वो बना लेते हैं। कुंदरू को मैंने कट किया, कुंदरू जो है ईलू खाती नहीं है, तो 2 चीज़ें अलग बनेगी। कढ़ी भी बनाऊंगी मैं, और राजमा और आलू भी बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सब कुछ था, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ बनाऊंगी, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो बन जाएंगी। अब यहाँ पे मैं ट्राईपॉड सेट कर रही हूँ कुकिंग वीडियो बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे कढ़ाई पे तेल डाल दिया है, और इसमें सबसे पहले कुंदरू की सब्जी जो है वो छोक दूंगी। राई, जीरा, हींग डाल के, हल्दी डाल के, बस कुंदरू डाला, बेसिक मसाले डाले, और बस इसको पका लेंगे। अब इस कुंदरू को तो ना मैं दूसरे साइड दूसरे गैस पे कर दूंगी, और फिर राजमा और आलू उबले हुए थे तो वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे इनको मिक्स कर दिया है, और ये चढ़ा दिया है, दूसरा पेन इसमें रख दिया है, ऑयल डाल देंगे। और जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया है राई, तेज पत्ता डाल दिया, हींग डाल दी, लौंग डाल दी 2, और
यहाँ पे हल्दी डाल दी। अब डाल दी मैंने टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी मैंने जो बनाई थी वो डाल दी है, और बस फिर सारे बेसिक मसाले डाले। और जब इसमें प्यूरी में तेल छूट गया तो बस आलू डालूंगी पहले मैं, तो आलू थोड़ा सा पक जाएंगे ना, उबले उबले से, कच्चे कच्चे से नहीं रहेंगे, तो उबले हुए आलू हैं वैसे तो ये, फिर भी मैंने थोड़े पका लिए। फिर थोड़ा सा राजमा रखा था तो वो भी डाल दिया। फिर अब इसमें पानी डाल के इसको पकने देंगे। चावल भी चढ़ाने की सोच रही हूँ, क्योंकि रोटी मैं सोच रही हूँ या तो बाहर से मंगा लूँ या फिर जो है कम बनानी पड़ेगी चावल के चक्कर में, है ना, इसलिए। तो यहाँ पे बस पानी चढ़ा देते हैं चावल का, फिर इसमें चावल डाल दूँगी। तो आज का खाना बनने वाला है कढ़ी, चावल, आलू राजमा और कुंदरू हो गए, और करेला भी बनाऊँगी ताकि कल नेक्स्ट टिफ़िन में एक्स्ट्रा साइड सब्जी हो जाए। हालांकि अभी के लिए भिंडी लेके आए थे बट मैंने भिंडी बनाई नहीं, मैंने कहा कल टिफ़िन में काम आ जाएगी, सुबह आलू भी खा लेगी। यहाँ पे कढ़ी बना रही थी तो छाछ रखी थी थोड़ी सी, उसमें 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया और धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्दी, मिर्ची डाल देंगे, हींग डाल देंगे, और फिर थोड़ा दही और मैंने डाला था क्योंकि मुझे छाछ कम लग रही थी। फिर इसको मिक्स किया, इसमें और पानी ढेर सारा डाला, और बस इसका कढ़ी का गोल तो मैंने तैयार कर लिया। फिर 4-5 पकौड़ी बनानी थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बनानी थी ना, तो मैंने ऐसे कढ़ी बना ली ऐसे ना, अन्नकूट भी। इस बार तो मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं भैया दूज पे चली गई थी, वरना मैं अन्नकूट भी करती हूँ दिवाली के बाद, जो अन्नकूट होता है ना ठाकुर जी का, तो उसमें भी ढेर सारी चीज़ें थोड़ी 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 बना लो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी छोंक दी जिसमें कि राई डाल दी, मेथी दाना डाल दिया, हींग डाल दी, तेज पत्ता डाल दिया और लाल मिर्ची डाल दी। कड़ी पत्ता भी था नहीं, तेज पत्ता डाला है, कड़ी पत्ता था लेकिन मैं भूल गई, उतने में कोई आ गया, इलू आ गई थी यहाँ। तो फिर मैंने जो है बर्तन कर लिए, तो बर्तन भी हो गए और खाना भी लगभग पक चुका है। करेले भी मैंने छोंक दिए थे जो कि मैंने दिखाया नहीं है। तो टाइम हो चुका है 7:15 का, खाना मेरा बन गया है, रोटी नहीं बनी है। मैं सोचूंगा तो बाहर से मंगवा लूँ या फिर ये आएंगे उससे पहले बस फटाफट बना लूँगी। अभी मैं बर्तन कर रही थी तो 3-4 बर्तन जो है वो रह गए क्योंकि टंकी में पानी खत्म हो गया। अभी इलू आएगी तब उससे चलवाऊँगी, दिखाती हूँ क्या क्या बना लिया। इस बीच मैंने करेले की सब्ज़ी भी जो है वो छोंक दी। तो ये देखिए करेले भी मैंने छोंक दिए थे, 4-5 ही मैंने बनाए हैं क्योंकि एक आध आज लेंगे और 3-4 कल के लिए रखे रहेंगे इनके टिफ़िन में। कढ़ी पकोड़ा हो गई, ऊपर से मैंने घी का और कढ़ी पत्ते का तड़का भी बाद में लगा दिया था और फिर पकने दिया था। और जो है ये हो गए चावल, आलू राजमा हो गए, कुंदरू हो गए। तो इस तरीके से आज का जो है डिनर जो है हमारा ये सब कुछ है। बस ये आए, रोटी मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही थी, बहुत वीकनेस, तो मैंने रोटी बाहर से मंगवा ली थी। और ये देखो ये सारी चीज़ें हो ही गई, खाना वाना खा के बस चूचू के साथ थोड़ी सी मस्ती की। इसको हम चिढ़ा रहे थे कि हम तुझे बाहर नहीं लेके जाएंगे, तभी हमसे लड़ाई कर रही थी। फिर हम लोग घूमने गए रात को गाड़ी में चक्कर निकालने के लिए, और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब वो घोड़े जैसे भगाती है, अब बुला इसको इधर। अरे एक लाइट और ऑन कर। ओ नहीं, नो भाग जाए क्यों बार बार तोड़ दी है।